Mahim Dargah. Zikr karte hain duniya bhar mein mashhoor Hazrat Makhdoom Faqih Ali Mahimi ki dargah ka. इतिहास का जिक्र करें तो हजरत मखदूम फकीह अली माहिमी की पैदाइश अरब से आकर माहिम द्वीप पर बसे एक परिवार में सन 1372 ईस्वी 776 हिजरी में हुई थी। बाबा मखदूम माहिमी को कई वजहों से याद किया जाता है। लोगों का बाबा में अटूट भरोसा ही है जो उन्हें उनके दरबार तक खींच लाता है। ये दरगाह एक साथ नहीं बनी, ये हिस्सों में बनाई गई थी। मजार की तामीर सन 1674 में हुई थी और इसके छोटे गुंबद उसके कुछ सालों बाद तामीर किए गए। माहिमी दरगाह पर लगी रोशनी से मानो सारा मुंबई शहर जगमगा उठता है। माहिम के पुलिस वालों का बाबा में खास ही अकीदा है। कहा जाता है कि जहां अब माहिम पुलिस चौकी है वहां कभी बाबा मखदूम माहिमी का घर हुआ करता था। दरगाह में उनकी नौकरानी और उनकी पालतू बकरी की कब्रें भी शामिल हैं। विभिन्न समुदायों से भक्त इस पवित्र जगह पर आते हैं। दरगाह का एक भाग पहले अस्पताल था जहां अब मदरसा है। माहिम दरगाह में की जाने वाली रस्में दूसरी दरगाहों जैसी ही हैं। फर्क ये है कि रोज रात को 10 बजे और जुमेरात को 11 बजे दरगाह बंद होने से पहले की जाने वाली रस्मों में तकलीफ से गुजरने वाले लोगों के लिए खास दुआ की जाती है जिसमें ये लोग शामिल होते हैं। दरगाह को साफ किया जाता है और गुलाब का पानी छिड़का जाता है। फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। फिर दरगाह में लोभान जलाया जाता है। पूरी दरगाह में ये लोभान लोगों के पास ले जाया जाता है ताकि उसके धुएं से वे अपने आप को पाक कर सकें। दरगाह में हाजिरी के लिए जुमेरात का दिन अहम है। दरगाह में लोग पाक होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आते हैं। लोग अपने साथ फूल या चादर लेकर आते हैं जिसे वे बाबा की मजार पर पेश करने के लिए लाते हैं। दरगाह में आकर हर कोई अपनी दिली चाहत बाबा के सामने पेश करता है। बच्चे परीक्षा में सफलता के लिए दुआ करते हैं,
तो पुलिस वाले किसी केस की सफलता के लिए दुआ करते हैं। पिछले 30 सालों से बाबा मखदूम माहिमी की दरगाह का वार्षिक उर्स दिसंबर 13 से 22 तक इन 10 दिनों के बीच होता है। इस उर्स में तकरीबन हर साल 3 लाख लोग शिरकत करते हैं। बाबा को बकरियों से बहुत प्यार था। एक बार जब बाबा कहीं बाहर गए थे तो उनके घर एक बकरी का बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। लौटने पर बाबा को पता चला तो वे उस जगह पर पहुंचे जहां बकरे की लाश पड़ी थी। बाबा ने आसमान में हाथ उठाकर दुआ की और बकरे से बोले, उठ। फिर क्या था, बकरा उठ खड़ा हुआ। उस वक्त बाबा 9 साल के थे। ऐसे ही एक जलसे के वक्त खाने के लिए हर शख्स ने कुछ ना कुछ पकाया। फिर बाबा मछली खाकर हाथ धोने पहुंचे और जब उनके हाथ पर पानी डाला गया तो हाथ में मौजूद मछली के कांटे जिंदा मछली में तब्दील हो गए। दरगाह के बारे में ये किस्सा भी प्रचलित है कि अगर किसी भूत, प्रेत, जिन आदि ने घेर रखा है तो यहाँ आगे के रास्ते से मजार जाकर और पीछे के रास्ते बाहर निकलने से बुरी आत्माओं से पीछा छूट जाता है। यहाँ तक कि पुलिस वालों की भी बाबा में असीम श्रद्धा है और आला अधिकारी बाबा के यहाँ हाजिरी जरूर लगाते हैं। यहाँ तक कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शुरू होने वाले उर्स में बाबा की पहली चादर माहिम पुलिस की ओर से चढ़ाई जाती है। पीछे तर्क है कि अंग्रेजी शासनकाल में कोई पुलिसकर्मी मुजरिम से तंग आकर बाबा से उसे पकड़वाने की मन्नत मांग बैठा और वो पूरी हो गई। तभी से ये परंपरा चल पड़ी और तब से आज तक पुलिस वालों की तमाम मन्नतें बाबा ने पूरी की हैं। माहिम दरगाह महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। मुंबई तक रेल, रोड और हवाई यातायात द्वारा अन्य शहरों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से दिल्ली से मुंबई तक पंजाब मेल, देहरादून एक्सप्रेस, रेल मार्ग द्वारा पुणे से मुंबई तक डेक्कन क्वीन मुंबई एक्सप्रेस, रेल मार्ग द्वारा कोलकाता से मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस। मुंबई शहर में 2 प्रमुख एयरपोर्ट हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट सहार। ये दोनों एयरपोर्ट पर विभिन्न शहरों से हवाई यातायात संभव है। माहिम दरगाह से सबसे नज़दीकी स्टेशन है माहिम स्टेशन। यहाँ पर आप मुंबई की जान लोकल ट्रेन द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। मुंबई शहर में कई 3 और 5 सितारा होटल हैं, जहां रहने की अच्छी व्यवस्था हो सकती है।
मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी होने के कारण यहां आपको हर प्रकार के खान पान और खरीदारी की वस्तुएं मिल जाएंगी। यहां का स्वादिष्ट वड़ा पाव, इसे खाए बिना मुंबई शहर की यात्रा अधूरी है। दरगाह का वार्षिक उर्स दिसंबर 13 से 22 इन 10 दिनों के बीच होता है। इस उर्स में तकरीबन हर साल 3 लाख लोग शिरकत करते हैं। दरगाह में न्याज होती है, फातिहा दी जाती है और कई मजहबी कार्यक्रम किए जाते हैं। बाबा के दर पर पहुंच के तो मानो जुबान को ताला लग जाता है और भूल जाते हैं हम सारी मन्नतें, सारी ख्वाहिशें। ऐसा लगता है जैसे कि खुद ब खुद पाक परवरदिगार हमसे रूबरू हो, दिल की धड़कनें गिन रहा हो और हमारी नेक आरजू है कि परवरदिगार आपको अपने दीदार देके आप पर अपनी रहमत बरसाए।